वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास फॉर सीनियर केजी। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जीके पढ़ेंगे। ओके, इन आवर प्रीवियस क्लास मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रिवीजन सिखाया था। रिवीजन में मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए थे और उसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने अपना होमवर्क किया होगा। सो आज मैं आपको नेक्स्ट जो है ना 2 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूंगी और आपको उसे अपने नोटबुक में होमवर्क में करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 2 लेटर्स, यानी यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हैं, आपको बाकी के 2 लेटर्स गेस करने हैं और आपको उसमें लिखना है, फिलअप करना है। ओके, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog and 2 fill in the blanks. अब D for dog के बाद कौन सा अगला लेटर आता है? Yes, E for elephant. Very good. और E for elephant के बाद? Yes, F for fish. यहाँ पे हम लिखेंगे F for fish. M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock. P for peacock के बाद कौन सा लेटर आता है? Yes, Q for queen. यहाँ पे हम लिखेंगे Q for queen. Q for queen के बाद कौन सा लेटर आता है? Yes, R for rabbit. यहाँ पे हम लिखेंगे R for रैबिट। K for kite, L for lion, M for monkey. M for monkey के बाद कौन सा लेटर आता है? Yes, N for nest. यहाँ पे लिखेंगे N for nest. N for nest के बाद? Yes, very good. O for orange. Okay, so आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो बाकी के जो बॉक्सेस है वो आपको खुद ब खुद भरना है। ओके, खुद ब खुद फिलअप करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। राइट द लेटर कम्स बिफोर द गिवन लेटर, यानी जो लेटर्स दिए हैं उसके पहले, यानी उसके आगे के जो लेटर्स है, आगे का जो लेटर है वो आपको इस ब्लैंक में फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में C for cat एंड D for dog दिया हुआ है, तो C for cat के आगे कौन सा लेटर आता है? Yes, B for ball. तो यहाँ पे हम लिखेंगे B for ball. नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे R for rabbit, S for sun. तो R for rabbit के आगे कौन सा लेटर आता है? Yes, Q for queen. तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q for queen. नेक्स्ट बॉक्स में blanks, H for hen, I for ice cream. तो H for hen के आगे कौन सा लेटर आता है? Yes, G for grapes. यहाँ पे हम लिखेंगे G for grapes. तो इसी तरह बाकी के बॉक्सेस भी आपको फिलअप करने हैं। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, सो बाय।